सिद्धार्थ जी और डैश पर सभी उपस्थित विद्युतगण और सभी भाई और बहन, विषय बहुत गंभीर है। बजट पर चर्चा करनी है तो मैं इतने कहूंगा कि पहले और आज के बजट में थोड़ा अंतर है। पहले आज से लगभग 10-15 साल पहले बजट अर्बन ओरिएंटेड हुआ करता था, अब उसको वाजपेयी ने सुधार कर रूरल ओरिएंटेड तो नहीं परंतु रूरल का भी, ग्रामीण क्षेत्रों का भी उसमें भागीदारी हो। और मैं समझता हूँ कि पहली बार बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय बना था, पहले उसके पहले ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय हुआ करता, और उसके बाद लगातार इस पर आगे बढ़ता रहा कार्यक्रम। बाकी सरकार ने भी आई उसको और आगे प्रमोट किया, और आज इस बजट में बाकी चीज़ों में जितनी बातें कही गई उसमें से एक चीज़ को दिखाई देता है कि इस बार का बजट हम उसको कहेंगे कि प्रो ग्रामीण है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे जो आज तक नहीं पहुंच पाया ठीक से। ऐसा नहीं कहेंगे नहीं पहुंचा, क्या पहुंचा जरूर है, मतलब जितनी मात्रा में योजनाएं बनती थी उस मात्रा में जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाया। इसका परिणाम ये हुआ कि गाँव उजड़ गए और शहर बस गए। आज जो शहरों में जो प्लान बाजी चल रही है ये कारण एक ही है कि योजना का लाभ उन तक मिलता सर गाँव छोड़ के साथ नहीं आते, क्योंकि उनको लाभ नहीं मिला इसलिए रोजगार की खोज में या पेड़ पालने के दृष्टिकोण से शहर की ओर चले आए गांव, और बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ कई घर गिर गए। तो ये एक नया भाई उन तक पहुंचे, इसका दो दृष्टिकोण मेरा अपने दृष्टिकोण से है, योजना बनाने वाले के दृष्टिकोण से किया मुझे पता नहीं कि गांव की आबादी को गांव में रहने दिया जाए उसके लिए कुछ नई कुछ कार्यक्रम बनाए चलाया जाए। और उस दृष्टिकोण से कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी हुई योजना में, और उन योजनाओं को ठीक से उन तक पहुंचे इसके लिए मैकेनिज्म भी बन रहा है, योजना बनी है मैकेनिज्म बन रहा है। पहले भी था उसमें और थोड़ा सा पुराने अनुभव के आधार पर नए कुछ उसमें परिवर्तन हो ताकि ये योजनाओं का लाभ गांव तक के लोगों को मिले। जैसे वो समझ जानते हैं कि भाई मनरेगा बना, नरेगा बना, फिर मनरेगा बना, उसका सीधा हिसाब था कि गांव के लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते जो बीपीएल हम लोग कहते हैं उन लोगों को रोजगार मिले और बाहर जाने की जरूरत नहीं हो, 100 दिन का रोजगार मिले ये गारंटी था। परंतु योजना अच्छी थी लेकिन शायद समझने में नई योजना थी और नए ढंग का कुछ काम करना था लोगों से अभ्यास में नहीं होगा, नतीजा ये जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं पाया, मिला लाभ ऐसा नहीं नहीं मिला, क्योंकि एक तो काम करने के तरीके बदले हैं, लेकिन काम करने के तरीके योजना बदलने से काम नहीं होता जब तक आपके मन में विचार नहीं बदलता है। विचार अभी तक हम लोग का मैं समझता हूँ कि अपना आप माफ करेंगे जितना बदलनी चाहिए नहीं बदला है, अभी भी हमारा माइंड सेट अर्बन ओरिएंटेड है, शहरों से बाहर जाकर काम करने की मानसिकता नहीं है। इस तरह से जितने भी हम लोग एलाइट बन गए चाहे वीडियो से लेकर सिकटकी तक गांव की ओर जाकर गांव के लोगों के दुख दर्द को समझ कर और सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचे इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया, और इसीलिए आज इतने हम गांव की दुर्दशा देखते हैं हर जगह। दिल्ली के बाद थोड़ी दूर जाइए दिखाई देगा, दिल्ली छोड़िए दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इसको भी देखना होगा, दिल्ली में भी है आखिर ये झुग्गी झोपड़ी कैसे, उनका भी लोग मजाक करते हैं कि भाई दिल्ली वाले ज़्यादा बच्चे तो नहीं पैदा करते, उनकी इतनी आबादी बढ़ गई
कि उनको घर लाने की जगह में झोपड़ी बना ली है। तो क्योंकि हम लोग जब 77 में आए थे तो उस समय दिल्ली की आबादी 36 लाख था, कुल 36 लाख। यमुना के उस पार तो बिल्कुल जंगल था, आज ये जंगल कहाँ चले गए और मकानों के जंगल बन गए। आखिर इतनी आबादी कैसे आई, क्या है? दूसरा एक मेरा अपना विचार है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिए हैं, केंद्रीकृत कर दिए हैं। शहरों में सब सुविधाएं हैं, ग्रामीण में कोई सुविधा है ना, पढ़ने की सुविधा है, ना चिकित्सा की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना पानी पीने की सुविधा है। तो आदमी शहर में रहे चाहे गाँव में रहे, दोनों सबको पड़ती है। तो फिर जो मानव स्वभाव के हिसाब से जहाँ सुविधा मिलती है उसको जाने की प्रवृत्ति होती है। मैं समझता हूँ कि एक ये भी कारण रहा होगा, जहाँ बड़े शहरों में स्लम बहुत बढ़ रहे हैं, जो भी झोंपड़ियाँ बहुत बढ़ रही हैं। आखिर क्यों, यहाँ भी रोजगार करते हैं। अगर रोजगार की ठीक से व्यवस्था काम हो जाती तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती। आज 70 और आज दिल्ली में आज 1.25 करोड़ की आबादी पे बोलता है कि 1.25 करोड़ हो रहा है, इतनी आबादी कैसे बढ़ गई? ये एक आप जैसे इतने समझदार लोग बुद्धिजीव हैं, चिंता करनी चाहिए कि आखिर इस शहरों के बड़े शहरों की आबादी इतनी कई गुना बढ़ने का कारण क्या है। यहीं से इस कारण को जब पता लगा लेंगे तो पता लगेगा कि भाई काम हम क्या करना है। तो दुर्भाग्य से अभी तक हम लोग दृष्टिकोण से विचार कम कर रहे हैं, करते भी हैं तो बैठ करते हैं और उसको जाकर उस आधार पर सोचने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसलिए भी शायद ये हमारी स्थिति बन गई। और मैं समझता हूँ कि इस बार की योजना है, अगर राजनीति को ना जोड़ा जाए तो मैं समझूँ कि ये ऐतिहासिक जो बजट है, ऐसे बजट पहले कभी नहीं, अब किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है जहाँ हम कुछ नए ढंग से काम करने के दृष्टिकोण से फंडों का हम आवंटन लेंगे, एलोक्शन नहीं किया है। कुछ थोड़ा कम हुआ होगा, जैसे हुआ होगा, लेकिन हुआ है। और हर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ा है। इसका ये है कि हम सिर्फ गांव की बात कर रहे हैं तो गांव की बात ना करें, शहरों की भी जरूरत है उसको भी पूरा करें। तो हम कैसे बैलेंस, शहर और गांव कैसे बैलेंस करते हुए आगे भविष्य में जब भारत को बनाना चाहते हैं उसको कैसे बना सकते हैं। गाँव के लोग भी दो शाम खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, शहर वाले को भी कोई कष्ट ना हो, ऐसा कोई व्यवस्था हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि योजना इस दिशा में एक कदम है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी तो भविष्य की बात है। आज कोई कह दे कि एकदम बिल्कुल ये ठीक है और बाकी सब गलत है, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि कोई चीज़ एक दिन न बनती है, कोई चीज़ एक दिन में बिगड़ती है। समस्याएँ आज हमारे यहाँ इतनी खड़ी हैं, एक दिन में नहीं खड़ी, और ये जितनी समस्याएँ एक दिन में सुलझ जाए ऐसे हम लोग के कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। और जादू मंत्र भी नहीं है, जादू मंत्र दे घंटे का आप हमको बेकूफ बनाने के लिए होता है, परंतु ये स्टेबल सस्टेनेबल नहीं होता। तो इस दृष्टिकोण से काम अभी शुरू हुआ है, योजना में इसकी जिक्र काफ़ी है, मैं डिटेल तो नहीं जा सकता है, इतना बड़ी किताबें हैं इन्होंने लिखा है। लेकिन मेरा जो मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन है, इस बार की योजना ऐतिहासिक है और गाँव और शहर को बैलेंस बनाते हुए दोनों को हम विकास के दृष्टिकोण से आगे हम कैसे बढ़ाएं ताकि देश एक समृद्ध संगठित और उन्नतिशील दिखाई दे, ऐसा इस रास्ते में चलकर कर सकते हैं, ऐसी योजना है, ऐसा मैं समझता हूँ।